स्वागत है हकीम साहब आपका। बहुत धन्यवाद जी आपका। हकीम साहब, बात करूंगी कोलेस्ट्रॉल को लेके, ये कब बढ़ जाता है? क्योंकि जैसे ही ये बढ़ता है, जैसे ही डॉक्टर बता देता है किसी भी पेशेंट को, भाई आपका कोलेस्ट्रॉल तो अब बढ़ गया है, तो वो डर जाता है कहीं हार्ट पेशेंट ना हो जाए या फिर किसी और बड़ी बीमारी के शिकार ना हो जाए। तो एक तो ये बढ़ क्यों जाता है और इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, क्या कुछ वो नुस्खे हो सकते हैं? अच्छा देखिए, ये हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी है। जी, जब तक हम 40 साल के नहीं होते, जब तक यही है जो हमारी ग्रोथ करता है और बल्कि दिया जाता है बच्चों को, मक्खन खिलाया जाता है, घी खिलाया जाता है, दूध पिलाया जाता है जिसमें एनिमल फैट हो। जी, इससे हमारी ग्रोथ होती है और ये बहुत ज़रूरी है उन लोगों के लिए जो बढ़वार है, जिनकी बढ़ रहे हैं, लंबे हो रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं। और 40 साल जहां हमारी उम्र हुई, 40 साल के आसपास, तो इसका कंजम्पशन ख़त्म हो जाता है। मतलब वो कहां पर यूज़ हो, अगर आप ग्रोथ कर रहे हैं तो ग्रोथ में यूज़ हो जाता है, तो फिर ये खून में शामिल रह जाता है। ग्रोथ कहीं होती नहीं तो खून को गाढ़ा कर देता है कोलेस्ट्रॉल। अब इसका एक लिमिट में होना ज़रूरी है, तो लिमिट में रखने के लिए कुछ ऐसी ग़िज़ाएँ, कुछ ऐसी दवाएँ हैं जिससे हमारा कोलेस्ट्रॉल ज़रूरत के तहत रहे। अब वो ग़िज़ाएँ क्या हैं? लहसुन है, अदरक है, नींबू है, ज़ीरा है, अजवाइन है, ये चीज़ें हमारे जिस्म से कोलेस्ट्रॉल को कम करती हैं। अपने खानों में अगर ये ज़्यादा डालने लगें तो खुद ही कंट्रोल हो सकता है। फिर एक जगह ऐसी आती है जहाँ पर वो कंट्रोल ही नहीं होता, इस कदर बढ़ जाता है कि तो वहाँ पर दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं। लेकिन 40 साल के बाद आदमी की उम्र का ढलान होता है और उसको अपनी हर चीज़ कंट्रोल में रखनी चाहिए ताकि हम बहुत से आने वाले रोगों से बच सकें। तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो बीपी बढ़ेगा, बीपी बढ़ेगा तो दिल का रोग होगा, दिल का रोग होगा या दिमाग का रोग होगा, फालिज होगा या हार्ट ब्लॉकेज होगा या डायबिटीज़ होगी, ये इस उम्र में ख़तरनाक है। तो मैं अक्सर कहता हूँ कि अपने खानों में आप ये कलौंजी का या जैतून का असली सिरका 1-2 चम्मच रोज़ इस्तेमाल कर लिया करें, तो इन 4-5 बीमारियों के जो ख़तरे हैं वो नहीं रहते। इसे इस्तेमाल किया करें, फ़ायदा उठाया करें।